दोस्तों, अगर आप भी WhatsApp यूज़ करते हो और आप WhatsApp पर जैसे किसी की भी DP पर क्लिक करते हो और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हो, तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट देखने को नहीं मिलता, मतलब कि हम स्क्रीनशॉट यहाँ से नहीं ले सकते। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपने फोटो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किसी भी DP का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने सीधी गैलरी के अंदर डाउनलोड कर पाओगे बहुत ही आसान तरीके से। तो कैसे करना होगा, क्या प्रोसेस होगा, इस वीडियो के अंदर पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, एक कुछ बेसिक आपको कंप्लीट करना होंगे, उसके बाद जाकर ये वाला सेटिंग करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर एप्लीकेशन के अंदर जाना है, ठीक, और यहाँ से आपको WhatsApp को सर्च कर लेना है। WhatsApp एप्लीकेशन को यहाँ से सर्च करने के बाद दोस्तों, यहाँ से WhatsApp को सर्च करने के बाद आपको यहाँ से WhatsApp को यहाँ से अपडेट कर देना, ठीक है। अच्छा, WhatsApp मैंने बिजनेस सर्च किया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से WhatsApp सर्च करने के बाद दोस्तों, आपको सिंपल सा आपको कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो सिंपल सा सबसे पहले दोस्तों, यहाँ से अगर आपके पास अपडेट का ऑप्शन आता है तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ से अपडेट कर देना, ताकि हम जो भी WhatsApp के न्यू फीचर चाहते हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। सिंपल सा सबसे पहले अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर WhatsApp, ठीक है, इसके WhatsApp के ऊपर से कम 6 सेकंड तक टैप रखना है। उसके बाद से यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक आई बटन का, सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। उसके बाद से दोस्तों, अब आपको करना क्या, सिंपल सा आप क्या है, स्टोरी कैश चेस पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लियर चेस के ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से सप्ताह के अंदर 7 दिन के अंदर आपको एक बार से क्लियर चेस कर देना, ताकि आपका जो WhatsApp है वो अच्छे तरीके से चल सके। उसके बाद आपको करना क्या, सिंपल से यहाँ से बैक आ जाना। बैक आने के बाद दोस्तों, अपना जो WhatsApp एप्लीकेशन है उसको यहाँ से ओपन कर लेना। जैसा कि दोस्तों, यहाँ से मैं अभी यहाँ से एक ये फोटो का स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट है वो नहीं आएगा। तो अब आपको स्क्रीनशॉट लेना कैसे, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको यहाँ से 3 अंगुली घुसेंगे तो यहाँ वाला यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। देखो, कुछ इस प्रकार से आपको स्क्रीनशॉट सबसे पहले तो ले लेना है। उसके बाद करना क्या, उसके बाद अपने जो फोन की गैलरी है उसको ओपन करना है। फोन की गैलरी यहाँ से ओपन करने के बाद दोस्तों, सिंपल इस प्रकार से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर एक नीचे एक एडिट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ से आपको एक अपने हिसाब से इसको ऐसे एडिट कर देना, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से एडिट कर देता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ से आप इसको यहाँ से इस प्रकार से अपने जो DP का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकोगे दोस्तों, दूसरा कोई भी इसके अंदर तरीका नहीं है। मैं आप बिजनेस WhatsApp के अंदर भी दिखा देता हूँ कि यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट आता है या नहीं। जैसे इस पर क्लिक करूँगा यहाँ से ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा, लेकिन दोस्तों स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते दोस्तों। ये एक WhatsApp का एक न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है, इसके कारण से किसी का भी हम प्राइवेट अकाउंट का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ठीक है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, अब स्क्रीनशॉट हम WhatsApp के अंदर कभी नहीं ले सकते। अगर कोई भविष्य के अंदर न्यू अपडेट आया तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको भी पता चल सके जो भी WhatsApp के न्यू अपडेट आता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको करना क्या, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम WhatsApp से रिलेटेड न्यू अपडेट जैसे ही आता है तो सबसे पहले अपडेट देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना था। अगर वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।